तो जब हम बता रहे हैं तो ये चत्तू अघोरी गंगाराम मनसाराम इनकी काऊ की औखाद नहीं और डांकनी की तो औखाद ही क्या है। आपकी शरण में बिल्कुल ठीक है। सुनो भैया, और जो तुम ऐसे ऐसे करती देखो ऐसे ये बंद कर दीजिए, जो तुम खुद करती हो। मैं खुद ना करती दीदी अपने आप। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। चलो चलो पेट में दर्द है। सही है सही है। आंचल से दूध पीता बालक दिखता है, पति के रूप में आ जाता है, रिलेशन संबंध स्थापित रखता है, जिंद पेट में कीड़ा बन के रहता है। माइक उठाइए, कहाँ से आई है, बैठ जाओ पालतू के और पास में आइए। गुरुजी मैं आई तो अलीगढ़ से हूँ। हाँ। लेकिन मैं मतलब ससुराल तो मेरी अलीगढ़ में है, लेकिन मैं इस समय अपने भाई के साथ मडराक रेलवे स्टेशन के पास बसई काजी गाँव में। अच्छा, तो क्या करती हूँ आप, कौन कास्ट है आप? मैं हूँ ब्राह्मण। ब्राह्मण, वो तो क्या समस्या है? समस्या यह है गुरुजी, मेरी जिंदगी निकल गई, मेरे ऊपर कोई चीज है वो बोलती नहीं है, पर बहुत बहुत परेशान हूँ मैं। माइक तो क्या दादा क्या कह रहे हैं? बहुत जगह दिखाया है, पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, गंगा जी पे बहुत बहुत जगह दिखाया, जिस जहाँ बताया गंगा जी में, लेकिन मेरी बहन सही नहीं हो पाई, लास्ट में आके आपके पास लाए। कौन? मैं ही लाया। और कहाँ का दिखाया गंगा जी? गंगा जी में भगत जी है हमारे यहाँ, उन्हें भी दिखाया है, और जगह भी ले गया हूँ, लेकिन कहीं कहाँ कहाँ ले गए मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन मेडिकल पे गए? मेडिकल नहीं बस केवल, हम तो आज के दिन यही मेडिकल मारा, एक दो भगत भगत थे। आहार कहाँ पड़ता है? अनूप शहर के पास है। उन्होंने क्या बताया था? कुछ नहीं, इलाज करते ठीक हो जाए, फिर वही परेशान। खेलती है वहाँ पे? खेलती तो नहीं है, बस ऐसा से रोती है, लेकिन बोलती नहीं। करके दिखाओ, करके दिखाओ, जब पिट्ठी में मारे नाम तुम्हारे वहाँ सब भूत भाग जाए एक बेर में, तुम पे को नहीं खेला। आओ देखो सामने स्क्रीन पर, आंचल से दूध पीता बालक दिखता है, पति के रूप में आ जाता है, रिलेशन संबंध स्थापित रखता है, जिंद पेट में कीड़ा बन के रहता है, इसका नाम है डाकनी और चत्तूराम अघोरी और मनसाराम अघोरी और घटोई सातनों जिंद संगे है। कोई भी ठीक तो ये कोई नाम भी नहीं बता पाया आज तक, आज तक कभी नहीं। माइक से बोलिए। किसी ने नाम नहीं बताया, कोई ठीक नहीं कर पाया। क्या ये समस्या बता पाए कोई आज तक? कोई भी नहीं बता पाया। हम बातें लिखे हैं जो पढ़ पढ़ो सामने, कुछ भी नहीं बता पाया, कुछ भी। कोई बताओ आपकी पत्नी के आंचल से दूध पीता कि नहीं पीता? बहन है, बहन है मेरी। आप बहन से पीता कि नहीं, बोलिए। ये बता दीजिए, बोलिए। हाँ ये सब मेरे बिल्कुल सही है, ये सपने मेरे। आप तक कहो बताइए बात ना बताइए। तो जब हम बता रहे हैं तो ये चत्तू अघोरी गंगाराम मनसाराम इनकी काऊ की औखाद नहीं और डांकनी की तो औखाद ही क्या है। आपकी शरण में बिल्कुल ठीक है। सुनो भैया, और जो तुम ऐसे ऐसे करती देखो ऐसे। हाँ। ये बंद कर दीजिए, जो तुम खुद करती हो। मैं खुद ना करती दीदी अपने आप। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। चलो चलो पेट में दर्द है वो सही है? सही है पेट में दर्द, पेट का दर्द सही है, पैरों का दर्द सही है, कमर में होता है वो सही है, जो तुम्हारे संगे सो जाता है वो सही है, जो गड़बड़ करता है वो सही है, लेकिन जो तुम यूं यूं करती हो, अच्छा ये बदनाम कर रही हो, झूठ अच्छा। साइकोलॉजिकल जो नावते ने कह रखा है कि ऐसे करने से पेशी आती है, तो तुम एक्टिंग करते ये बंद कर दो। ओके अच्छा। कान पकड़ो, और साथ में सुनो, ये जिंद की समस्या खत्म होगी, पांडो का दाम पांच मौसा करो, ये बकन्ने वाली नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल चीज खेलती नहीं है ना बोलती है, उसको लगता है मैं तो चढ़ी हूं तो चढ़ीरा, चढ़ा हूं चढ़ारा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट व्याधि यानी प्रेतबाधा चत्तू अघोरी गंगाराम मनसाराम अघोरी का भाई डंकनी यानी डाकनी नहीं डंकनी, जो पचास योनि के अंतर्गत आती है, डांकनी सांकनी नहीं, ये डंकनी पचासनी वाली है जो इनको परेशान कर रही है। आज से कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है, जाओ और गंगा मैया का जल पीना, गंगा मैया की कृपा से ठीक होगा, गंगा से बड़ा कोई शक्ति नहीं, आद शक्ति साक्षात दुर्गा भगवती है। जाइए बोले पंडोखर सरकार की।